हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। इस वक्त की अहमदाबाद में आग में झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है कि अहमदाबाद में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। इस आग में झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, त्योहार का ये मौसम, इस त्योहारी सीजन में जाहिर सी बात है कारोबार ज्यादा हो रहा होता है। ऐसे में व्यापारी व्यवसायी जो हैं वो ज्यादा जद्दोजहद कर रहे होते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। और जानकारी निकल कर आ रही है कि एक कपड़े का गोदाम था, कपड़े के गोदाम में अचानक आग लग गई और उसमें 9 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कपड़े के गोदाम में आग लगना मतलब आपको ये समझना होगा कि आग किस तरीके से कपड़ा पकड़ता है, कितना ज्वलनशील होता है। कपड़े के गोदाम में अगर आग लग जाए तो उस पर काबू पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और शायद इसी वजह से मरने वालों का आंकड़ा 9 पर पहुंच चुका है। 20 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो झुलस गए हैं इस आग में। फिलहाल 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं अहमदाबाद से, ये तस्वीरें 9 लोगों की झुलसकर मौत, कपड़े का ये गोदाम। अब तस्वीरों को आप देख सकते हैं जहां पर हर तरफ कपड़े के थान, कपड़े के चट्टे लगे हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर आग लगी कैसे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के मामलों में अक्सर शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह होता है, लेकिन फिलहाल यहां पर वजह शॉर्ट सर्किट था, किसी की लापरवाही थी। आखिर हुआ क्या, आग कैसे लगी, अभी तो आप देख रहे हैं दमकल कर्मी यहां पर आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आग की लपटें यहां पर आपको नहीं दिख रही होंगी, लेकिन ये कपड़े का गोदाम है। ऐसे में पूरी तरीके से किसी भी चिंगारी को ठंडा करना बहुत जरूरी, इसीलिए ये पानी की बौछार, ये कूलिंग डाउन प्रोसेस जो अभी अहमदाबाद में इस कपड़े के गोदाम में लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से पानी की बौछार मारी जा रही है। पूरी तरीके से निश्चिंत होना चाहते हैं ये दमकल कर्मी कि कहीं कोई चिंगारी सुलगती ना रह जाए जो बाद में फिर लपट की शक्ल ले ले और कोई और बड़ा हादसा यहां पर हो। फिलहाल पूरी तरीके से यहां पर आग पर काबू करने के बाद अब जो कूलिंग प्रोसेस है उसे अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए कैसे बाकायदा डंडे से खोद खोद कर कपड़ों का जो गट्ठर है उसको नीचे गिरा रहे हैं ये दमकल कर्मी, ताकि अंदर अगर कोई दबी हुई चिंगारी हो वो भी बुझाई जा सके। नुकसान जो माल का हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि जान का भी नुकसान हुआ है। 9 लोगों की यहां पर झुलसकर मौत हो गई है, इतनी भीषण ये आग लगी। और आग जब लगी उसके बाद जो धुआं उठा, धुआं उठने की वजह से सांस लेने में भी जाहिर सी बात है दिक्कत यहां पर उन लोगों को हुई जो इस गोदाम में काम कर रहे थे। हम जानकारी के लिए और आपको लेकर चलते हैं, हमारे संवाददाता कल्पेश इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। कल्पेश जरा बताइए क्या हुआ, कब ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ? सुबह की ये घटना ही, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोग अब तक मर चुके हैं। मलबे में करीब 10 से ज्यादा लोग फंसे थे। पहले आग लगी, उसके बाद अचानक से ब्लास्ट हुआ, बॉयलर फटा और जो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर था वो ध्वस्त हो चुका। मलबे में 10 से ज्यादा लोग फंसे थे, अब तक अभी भी फंसे हुए लोगों को निकालने की कामगिरी चालू है। पास ही की जो LG अस्पताल है उसमें इजाग्रस्त लोगों को ले जा गया है। अब तक जो पुष्टि मिली है 9 लोगों की मौत की पुष्टि मिली है। अभी फिलहाल और भी बचाव कार्य चालू है, इस पूरी घटना की तफ्तीश FSL और अहमदाबाद क्राइम कर रही है किस तरह से आग लगी। आप ये बता रहे हैं कल्पेश कि 9 लोगों की मौत हो गई है, कुल कितने लोग मौजूद थे उस वक्त गोदाम में जब ये आग लगी, कितने लोग अभी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है, पूरा आंकड़ा दीजिए जरा एक बार फिर से। जी बिल्कुल, जो माहिती थी अब तक 30 लोग अंदर काम कर रहे थे, 18 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है और उसमें से 9 लोग की मौत हो चुकी है। और ये पूरी उसकी तफ्तीश भी की जा रही है और अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए की आशंका है। अभी फिलहाल जो फायर ब्रिगेड है, FSL है और जो एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस सभी घटनास्थल पर कर रहे हैं। और ये और बड़ी ये बात जो ये जो मौत हुई है कल्पेश, ये आग में झुलसने की वजह से या फिर आग की वजह से जो धुआं उठा दम घुटने की वजह से ज्यादा हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी? दो घटनाएं हुई है, पहले आग लगी, उसके बाद अचानक से बॉयलर फटा और पूरी बिल्डिंग है जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो चुका है। तो मलबे में फंसे थे, आग लगी पहले, उसके बाद ब्लास्ट हुआ और मलबे में फंसे थे, तो ये दोनों घटनाएं उसकी वजह से ये आंकड़ा जो है अब तक का 9 का सामने आ रहा है। फिलहाल
ये आंकड़ा और भी बढ़ने की आशंका है और ये पूरी तो बात ये कितनी मंजिला इमारत थी, आग किस मंजिल पर लगी जरा विस्तार से बताइए, बॉयलर कहां पर था जिसके फटने के बाद इमारत आप कह रहे हैं कि वो एक तरीके से जमींदोज हो गई। कल्पेश, ग्राउंड फ्लोर से ही ये आग लगने की घटना आई थी और बॉयलर था वो ग्राउंड फ्लोर पर ही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक की जानकारी है ये कपड़े का गोडाउन था, लेकिन किसी भी तरह का जो लेबर डिपार्टमेंट का उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो नहीं था। बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि ये फायर सेफ्टी के जो सब सुविधा होनी चाहिए थी वो भी अब तक उसमें नहीं थी। इस तरह की ये दो बड़ी लापरवाही अब तक की सामने आई है। 30 से ज्यादा लोग अंदर काम कर रहे थे, ज्यादातर जो लोग है उसमें अभी बाहर निकाला गया, लेकिन ये कमनसीब है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नौ लोग की जान अब तक इस दुर्घटना में जा चुकी है। अच्छा, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं तो नजर आ रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल वहां पर आप मौजूद हैं तो जरा विस्तार से बताइए कि अभी वहां पर क्या हो रहा है और आग लगने की वजह के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल जो आग है उस पर संपूर्ण काबू पा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है एक जीपीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भी वहां पे पहुंच चुकी है। अब मलबा है, जो मलबे में से कोई अगर लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि फायर सेफ्टी की भी कोई सुविधा उसमें नहीं थी, लेबर डिपार्टमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, तो ये बड़ी बहुत लापरवाही और किस तरह से ये गोडाउन यहाँ पे चल रहा था ये जो सवाल है वो बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कल्पेश रावल इस तमाम जानकारी के लिए। कल्पेश जानकारी दे रहे थे अहमदाबाद में किस तरीके से कपड़े का गोदाम, वहां पर आग लगी, आग लगने की वजह से वहां बॉयलर था वो फटा जिसकी वजह से गोदाम की जो छत थी वो भी ढह गई और इस मलबे में गिरने से, आग में झुलसने से, दम घुटने से अभी तक 9 लोग जिनकी मौत हो चुकी है।